हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मैं 5 फीट ऑनली। देखिए ये हमारे बाथरूम की दीवार ऊंची हो चुकी है, रोशनदान किट है, बल्ब लगा हुआ है उजाले के लिए, अभी प्लास्टर लाइट फिटिंग बाकी है। तो ये देखिए पाइप आ चुके हैं नल फिटिंग के लिए, और देखिए काम भी कर रहे हैं भैया, अभी वो बाहर के पाइप के लिए गए हैं। देखिए ऐसे किया जाता है, कितनी सफाई से उन्होंने बिल्कुल ईंटों के बीच में ये बिल्कुल लकीर बना दी है, इनके अंदर पाइप फिट हो जाएंगे मशीन से होते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब पाइप फिट होएंगे मशीन। और ये छोटी सी मैंने टांड रखवाई है, इस पर मैं टब वगैरह कुछ भी रख सकती हूँ। गाइस बताओ ये किससे बन जाती है, एक मशीन आती है इससे बनती है। और गाइस देखिए अल्तिफा को काफ़ी खुशी हो रही है कि नया बाथरूम बन रहा है। हमारे जो बाथरूम है ऑलरेडी सबके लिए यूज़ होता है, उस बाथरूम में हमारे टंकी फिट नहीं है, नल फिट नहीं है, हमें पानी लेकर जाना पड़ता है, और इसमें अल्तिफा के पापा नल फिट करवा रहे हैं अल्तिफा के लिए, फुहारे लगवाने वाले हैं, शावर लगवाने वाले हैं, हाथ धोने का भी, इसलिए अल्तिफा बहुत ज़्यादा खुश है। वो इंतज़ार कर रही है, बार बार पूछ रही है कब तक तैयार होगा। और 5 फीट करने का सामान आ चुका है, तार फैला हुआ है, और वही हमारे कमरे में गंदगी तो चल ही रही है क्योंकि बाहर गंदा हो रहा है, इसलिए देखिए हमारे अब सामने का व्यू ऐसा लगता है दरवाज़ा खुलने के बाद, और पहले खुलते ही ऐसा लगता था तो बिल्कुल हमें अजीब सा लगने लगा था क्योंकि पहले इधर से रोड दिखता था, ये जब दीवार हुई तो ऐसा व्यू हो गया था। अब वापस हमने दरवाज़ा पहले वाली जगह पे लगाया, तो देखिए ऐसा लगता है अब। देखिए अब बहुत अच्छा सा लगने लगा है, अब धीरे धीरे करके यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा, और बहुत जल्दी हमारी शॉर्ट वीडियो सही से आने लगेंगी। और देखिए अल्तिफा कैसे खेलने में लगी हुई है, और ये फाँक के ऊपर पानी ढोलने पहुँच चुकी है भगकर। ये देखिए इधर भी पाइप के छेद हो चुके हैं ईंटों के अंदर मशीन से, अब तो रूम की काफ़ी बुरी हालत हो गई है लेकिन धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए अब मैंने आपको छेद बताया था, 5 फीट हो रहे हैं। अरे हर जगह दो नल फिटिंग होने के बाद अब देखिए प्लास्टर हो रहा है हमारे बाथरूम के अंदर। देखिए और अल्तिफा सिर्फ 1 घंटे के लिए स्कूल गई थी कोचिंग के तरह, अब स्कूल से आ चुकी है। आज हमने इसको 15 दिन में स्कूल भेजा था 1 घंटे के लिए, अब ये आ चुकी है, और मैं भी आया, और साथ में अफहाम भी आ चुका है हमारा प्यारा प्यारा बेटा, और लाला के
लगता है आज प्लास्टर हो जाएगा, क्योंकि बार बार रूम की सफाई करते हैं और वापस रूम ऐसे ही हो जाता है क्योंकि काम चल रहा है। देखिए क्या हालत हो जाती है। ये तो हमारी किट्टू का हमें दस साइड में रखना पड़ता है, इसलिए ये गंदगी कर देती है। और हमारी फर्शों की बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तब तो मैं इसमें दो दो तीन तीन बार तब मम्मी के बाद पोछा लगाती हूँ। ये अल्तीफ़ा के पापा हैं। गाइस ये मेरा काम पूरा हो जाता लेकिन ये अहमदाबाद चले गए थे और ये वापस जाने वाले हैं, इसलिए मेरा बाथरूम वापस रुक जाएगा। काम होते होते मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, ज़रूरत पड़ने पर इंसान को साथ देना पड़ता है। ये देखिए आधार कार्ड ढूंढ रहे हैं। ये मेरे भाई का बैग था जो वापस आया और वापस गया नहीं है, ये वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बैग अब की बार आते ही मैं इसको वापस मेरे भाई के पास भेज दूंगी, क्योंकि अगर जब तक बैग रहेगा ऐसा लगता है ये वापस घूमने जाने के लगे रहेंगे। वैसे अहमदाबाद से आने के बाद मैं इनके पीछे पड़ने वाली हूँ कि ये हमें कहीं घुमाने ले जाए, क्योंकि ये हमें तो घुमाने नहीं लेके जाते हैं लेकिन खुद के काम पड़ता है तो ये चले जाते हैं, किसी और के में चले जाते हैं लेकिन हमारे को चक्कर देते हैं। गाइस जब हम अजमेर अफाम को तोलने गए थे, जब भी इन्होंने चक्कर दे दिया कि मेरे से दूर का सफ़र नहीं होता है और गए ने बहुत सारे बहाने बना दिए, लेकिन अजमेर से भी दूर का ये सफ़र आराम से कर रहे हैं तो हमें ये बेवकूफ़ बनाते हैं हर जगह जाने से। तो गाइस हम सोच रहे हैं आज गागरन शरीफ जाने के लिए, आज है जुमेरात, तो अभी हम देखते हैं कि कारीगर जी खाना खाने जाते हैं तो हम अल्तीफ़ा हम दोनों पीछे पड़ के उनको लेके चले जाते हैं गागरन शरीफ। अगर जाते हैं तो आपको मिलवाते हैं और यहीं रहते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। गाइस देखिए कारीगर जी घर पर चले गए हैं। ये जो रूम से निकलते सामने वाली जो दीवार थी इस पर है ना प्लास्टर हो चुका है अच्छे से, और ये इधर वाली दीवार पर भी हो चुका है ऊपर तक। ऊपर हमने आरसीसी नई पट्टी डलवाई अभी हाल फिलहाल। गाइस ने मुझे एक चीज देखनी थी, और ये वाली दीवार और ये वाली दीवार बाकी है। ऊपर एक रोशनदान है जिसकी रोशनी आ रही है। ये क्या है? लाइट का बोर्ड वॉशिंग मशीन के लिए। गाइस ये नल है, इसके अंदर पानी भर के, ये फुवारे के है, ये फुवारे का है, ये हैंड वाले फुवारे का है, ये ठंडे पानी का है, ये गर्म पानी का है। नहीं मैं बताती हूँ, ये ऊपर है ना फुवारे के लिए है, ये गीजर के लिए है, और ये वॉशिंग मशीन का नल है। ये बोर्ड लग चुके हैं, एक ऊपर है गीजर का प्लग का, और एक का भी गीजर का ही होगा, और ये टांड है। हम आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे जो जो हमारे काम होता रहेगा। बनेगा तो हम इसके लिए एक पर्दा मंगाएंगे। हाँ गाइस अभी हाल फिलहाल इसमें काफ़ी पैसे लग चुके हैं नीनी करके, और हमने सामने दीवार पे भी काम चलवाया था वो भी राइट रखी हुई है या रूम में से निकाल के रखी है, क्योंकि इधर की दीवारों पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो प्लास्टर करने में दिक्कत आएगी। कल इसमें बाथरूम में पॉलिश फर्श हो जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये सामने भी हमने एक स्टोर रूम बनवाया था जिसमें अल्तीफ़ा के अद्दे रखे हुए हैं, वो छोटा सा गेट लग रहा है टंकी के पास। ये मसाला बचा हुआ है, कारीगर जी चले गए हैं इसमें पानी डालकर, और मैंने कपड़े वॉश किए थे रात को तो गीले ही रख दिए थे, रात में बाहर कपड़े नहीं सुखाती हूँ मैं, तो ये अभी डाल दिए हैं। अच्छी सी धूप आ रही है, कड़क सी, सूख जाएंगे। ये स्टैंड रखा हुआ है और अल्तीफ़ा खान के पापा सो रहे हैं। अब रूम तो एक ही है गाइस हमारे, इसलिए प्रॉब्लम तो हो रही है।
और अल्तीफा और को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वो बार बार जाके देख रहे हैं। देखिए अभी भी यहीं पर ही है। उनके पास होते हैं औजार, ट्यूब लाइट यहाँ लगाएंगे क्योंकि प्लास्टर करने में दिक्कत आ रही है ना। ये बताओ कैसे देखते हैं, बताओ ये कैसे करा गया है। ये है ना, रेत को अच्छे से छान लिया है, फिर रेत को लगाया, पत्थर अलग अलग पड़े हुए हैं उधर देखो। देखिए गाइस ये बारीक रेती है जो छानी हुई है, वो जो चलना है उससे छानी गई है, और ये मोटी रेत है इसमें से ये निकले हैं, इसलिए हुआ है चिकना प्लास्टर। भी हाँ ये चिकना हुआ था। ये देखिए खुदा पिंजी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और देखो यूं करते इतना ये क्योंकि गेट दोबारा पहले इधर ही था, निकल के उधर लगाया गया था, वापस इधर ही आया। हाँ। क्योंकि ये जो घर है ये वाला जब बना इसके वजह से हमारे ये सिर्फ इतनी सी गली रह गई थी निकलने की, तो हम रह भी लेते गेट नहीं हटवाते, लेकिन है ना हमें सफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैं सामान बाहर निकाल के करते हैं तो दिक्कत आती है, आने जाने में भी आती है, सामान निकालने में भी सामान, इसलिए है ना अभी जरा सी जगह थी इसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसमें बाथरूम अटैच कर दिया रूम में। देखिए शाकिब क्या करता है, ये देखिए स्टैंड पे चढ़ चुका है, लग गई जा। ये ऐसे ही काम करता है, हाँ। इसको डर नहीं लगता, ये चढ़ जाता है स्टैंड पे। गई के अंदर देखती हूँ मैं। शाकिब ने इधर से छेद में से हाथ घुसाया है, देखिए वाली तरफ से पूछा पकड़ा रही है, वापिस भाग कर आ चुकी है। नहीं गिर जाएगा वो तो। गाइस मिलते हैं थोड़ी सी देर में आपसे। हाय गाइस, तो देखिए इधर की दीवार भी पूरी हो चुकी है प्लास्टर की, यहाँ का थोड़ा सा गिर चुका है, सही हो जाएगा। देखिए ये बल्ब लगा हुआ है, वहाँ के ऊपर की भी हो चुकी है, अभी यहाँ की बाकी है, लगता है कल तक ही होएगा। तो गाइस देखिए फर्शी भी हो चुकी है बाथरूम के अंदर, ये थोड़ा गीला हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें ना तरी की थी। देखिए अब पूरा प्लास्टर अच्छे तरीके से हो चुका है, देखिए अभी नल बाकी है लगाना, ये जब प्लास्टर थोड़ा पक्का हो जाएगा तब जाके है ना ये इसमें नल फिटिंग होएंगे, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए ये जाते थोड़ी लाइट फिटिंग हुई है, ये जो हल्की हल्की से रोशनी दिख रही है ये जाली लगी हुई है, जब इसमें लाइट फिटिंग हो जाएगी दीवार पे पेंट वगैरह जो भी करवाना है वो हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए अंधेरे में किट्टू घुस चुका है आकर, ये थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि अंधेरा है। ये देखिए आप सामने ना नल निकाल लिए हैं, चलो बेटा रख दो, आप आम रख दो बेटा, मत देखो देखो देखो, ये तो देखिएगा ये हमारे यहाँ पे ऐसे ही मिलता है, छोटा है, ये हैंड शावर है, मुझे नहीं पता ये कैसा आता है लेकिन ये हैंड शावर है। ये देखिए ये पट्टी भी लग चुकी है हमारी बैठने के लिए, और ये बाहर भी प्लास्टर हो चुका है, और ये जो बाथरूम के अंदर जो अभी हमने हाल फिलहाल बल्ब का सिस्टम कर रखा था वो हमने बाहर कर दिया है क्योंकि ये तार खुल चुका है, इसलिए मैंने ये कर दिया है। ये बाहर भी वॉश मशीन का सिस्टम होएगा जब करवाएंगे, वरना हाल फिलहाल इसमें नल होगा, ये पानी भरने का है इसलिए बाहर भी निकला हुआ, इसलिए ये गैप दिया गया है। ये हमारी पट्टी है लग चुकी है,
अभी भी ये सब रखा हुआ है। किसी कारीगर को या बेलदार को देखकर ये आगे जमवा देंगे, फिर वहाँ पे फर्शी करवा कर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए हमारी अल्तीफा भी नल लेकर बैठ चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अल्तीफा एंड अफाम की मस्ती में आप हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय बाय।